थाना लोहावंडी क्षेत्र में जेसीबी द्वारा धर्मस्थल को जमींदोज करने के मामले में एसएसपी प्रभाकर चौधरी के आदेश पर 3 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि लोहावंडी पुलिस पूरे मामले में अब तक लीपापोती करती नजर आ रही है। थाना लोहावंडी के नजदीक पारस पल्स अपार्टमेंट परिसर में 6 अगस्त की रात को अचानक अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही जेसीबी द्वारा परिसर में बना धार्मिक स्थल जमींदोज कर दिया गया। स्थल पर आस्था रखने वाले तमाम लोगों को जब इस बात की सूचना मिली तो वे लोग रात को ही मौके पर पहुंच गए और लोगों की भीड़ इकट्ठा होते देख कई थानों का फोर्स भी घटना स्थल पर रात को ही रवाना हो गया और स्थिति को कंट्रोल करने का प्रयास शुरू कर दिया गया। परिसर में किसी भी बाहरी व्यक्ति और मीडिया की एंट्री बंद कर दी गई। हालांकि पुलिस ने मौके से एक जेसीबी को भी जब्त कर लिया। इस पूरे मामले में कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। इस बात से नाराज होकर तमाम लोग एसएसपी प्रभाकर चौधरी से मिले। एसएसपी के आदेश पर थाना लोहमंडी पुलिस ने धारा 153 ए और धारा 295 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूरे मामले में थाना लोहमंडी पुलिस की लापरवाही साफ नजर आ रही है। मौके से जेसीबी जब्त होने के बाद भी पुलिस जेसीबी के मालिक और ड्राइवर तक नहीं पहुंच पाई है और ना ही पुलिस को अब तक धर्मस्थल को जमींदोज करने वाले लोगों की जानकारी हो पाई है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस धर्मस्थल को जमींदोज करने वाले लोगों पर कब तक और क्या कार्रवाई करती है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए सैयद शकील की रिपोर्ट।